तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले मी के तरफ से प्रोवाइड किया गया मी 2-in-1 यूएसबी केबल, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा वोल्टेज टेस्ट भी करने वाले हैं, ये कितना हमको इनपुट वोल्टेज देता है और ये कैसे दिखने में लगता है, किसका क्वालिटी कैसा है, वो हम रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से जाकर आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और हम यूज़ करने वाले हमारा जो नोट 9 प्रो मैक्स, इसको हम यूज़ करके हम इसका फुल टेस्ट करने वाले हैं और इसका इनपुट वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हम अनपैक करते हैं। तो ये एकदम ही नया है, हम इसको सिंपली अनपैक करते हैं और देख सकते हो ये देख सकते हो केबल, मैंने जो केबल है वो ब्लैक कलर का लिया है और ये बेसिकली ज़्यादातर ब्लैक कलर्स पे ये अवेलेबल होता है। और ऊपर एक रबर स्ट्रैप है, इसको हम निकालते हैं और लगभग ये केबल आप देख सकते हो, इसका जो साइज मैं आपको बता दूँ, ये 1 मीटर लॉन्ग एक केबल है, 1 मीटर इधर दिखा गया है, इधर आप बोला गया है ऑलरेडी, इधर देख सकते हो 1 मीटर का लेंथ है। और ये फास्ट डेटा ट्रांसफर भी करता है, उसके साथ क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है। क्विक चार्ज मी का मतलब ये 18 वाट तक ये सपोर्ट करता है। और फिर भी हम टेस्ट करने वाले हैं, मेरे पास है जो 33 वाट का सोनिक पावर चार्जर या टर्बो चार्ज भी बोल सकते हो, जो नोट 9 प्रो मैक्स पे सपोर्ट करता है, जो मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया सबसे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है 33 वाट का। हम एडेप्टर के साथ इसको हम टेस्ट करने वाले और देखने वाले कि कितना आउटपुट वोल्टेज ये हमको प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हो ये 2-in-1 इसको बोला जाता है, ये यूएसबी सी पे है अभी, और इसको हम अगर इधर से बाहर निकालते हैं देख सकते हो ये इधर यूएसबी बी भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं फोकस को एडजस्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हो यूएसबी बी है और इधर यूएसबी सी, और इधर से आप इसको एडाप्टर पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक टेस्ट करके देख लेते हैं कितना आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम 33 वाट का जो ओरिजिनल डेटा केबल है, जो आप देख सकते हो ये जो मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया 33 वाट का डेटा केबल है, हम इसका पहले एक टेस्ट ले लेते हैं तो हमको जो आउटपुट है इससे हम कंपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम 33 वाट का जो केबल है उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं स्मार्टफोन के साथ और ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और इसका हम आउटपुट वोल्टेज को भी हम चेक कर लेते हैं। ये मेजरिंग कर रहा है, और देख सकते हो तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज 1600 मिली एम्पेयर, उसके साथ चलिए टेस्ट कर लेते हैं फिर से। ये प्रोवाइड कर रहा है और इसके साथ आप ऊपर कॉर्नर पे आप देख सकते हो, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ, इधर जो कॉर्नर पे डबल डैश का एक लोगो शो कर रहा है, मतलब ये सुपर क्विक चार्ज या टर्बो चार्ज बोल सकते हो वो सपोर्ट कर रहा है। तो मैं इसको पावर अप करके पावर ऑन करता हूँ तो आपको जो क्विक चार्ज का जो लोगो है या टर्बो चार्ज का जो लोगो है आप उधर देख सकते हो, मतलब ये टर्बो चार्ज को सपोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हो स्पीड। तो सिंपली आप ये जो हमने जो मीका 2-in-1 केबल खरीदा है उसको हम ट्राई करके देखते हैं कि ये कितना आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जब भी इसको कनेक्ट करते हैं तो पहले हम सिंपली हम आते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो इधर देख सकते हो नीचे एक चीज़ शो कर रहा है चार्जिंग रैपिडली, ठीक है, मतलब ये टर्बो चार्ज को सपोर्ट कर रहा है। और अब हम केबल को सिंपली चेंज करते हैं, हमने जो ये केबल है जो हमने खरीदा है इसको हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसको पावर पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो देख सकते हो इधर अब ये शो कर रहा है क्विक चार्ज, मतलब ये 18 वाट का जो चार्जिंग है ये सपोर्ट कर रहा है। और इधर आप देख सकते हो इधर आप शो कर रहा है फास्ट चार्जिंग, ठीक है। और इसका अब हम एम्पेयर मीटर से हम मेजर कर लेते हैं कि कितना आउटपुट ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। देख सकते हो ये 1360 के आसपास ये प्रोवाइड कर रहा था, तो मैं फिर से आपको टेस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हो 1260, 1290, 1320, 1360। अब मैं आपको बता दूँ 1400 मिली एम्पेयर के आसपास ये हमें एम्पेयर मीटर पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर किसी भी दूसरे
फोन पे जिसमें माइक्रो यूएसबी 20 सपोर्ट करता है, उस पर हम कनेक्ट करके हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार ये कैसे काम कर रहा है। तो सिंपली ये हमारा स्मार्टफोन है, इस पर हम माइक्रो यूएसबी कनेक्ट करके देखते हैं। वीवो V9 है और इस पर भी ये चार्जिंग तो कनेक्ट हो रहा है और चार्ज तो हो रहा है, बट हम इस पर एम्पीयर मीटर का टेस्ट नहीं करने वाले क्योंकि आउटपुट दोनों पे आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसका जो मी 2-in-1 यूएसबी केबल का हमने रिव्यू किया। इसका जो प्राइस अभी अप्रॉक्स चल रहा है 249 के आसपास चल रहा है मी के साइड पे, और मैंने इसको मी के शोरूम से जाके परचेस किया है, तो प्राइस आपको लगभग सभी में सेम ही मिलेंगे। आप उधर से जाके भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, आपको और भी ज़्यादा ऑफर्स या कैशबैक भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं वीडियो को बड़े खत्म करता हूं, वीडियो को अच्छा लगा तो अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी सवाल है डाउट्स है तो ऑब्वियसली कमेंट करो, मैं सभी का आंसर आपको दे दूंगा। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूं, ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन देखो और करना मत भूलना। तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।